हेलो एंड वेलकम टू दानीज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट विद मी दानिश्ता। तो www.daniestutorial.com इज द वेबसाइट एड्रेस। देयर यू कैन फाइंड द ईमेल आईडी इफ यू हैव एनी क्वेरीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 फॉर यूजीसी नेट टूरिज्म। ओके, सो द टुडेज टॉपिक लेक्चर 4 आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है ना, कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है एक बेसिक स्मॉलर पार्ट ऑफ एनीथिंग, है ना, कुछ हिस्से हैं कंपोनेंट्स। तो इसमें तीन बेसिक हिस्से जो है, फर्स्ट इज एकोमोडेशन, सेकेंड वन इज लोकेल एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे टूरिज्म एंड ट्रेंड्स, है ना। तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर सेकंड जो आपका है दैट इज एकोमोडेशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं आपको एकोमोडेशन में इतना, ये मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बताया। एकोमोडेशन पे पूरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस किस्म का एकोमोडेशन, लाइक होटल्स किस तरीके के है, इन्स है, होटल्स है, या क्या कहते हैं रूम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्पोनेंट्स बेसिक में हम पढ़ेंगे कि एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे कि पहले से मैंने आपको बताया, जब भी एक टूरिस्ट निकलेगा तो जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वहां उसको स्टे करना है, और उस स्टे के लिए उसको क्या चाहिए, रहने के लिए जगह, एंड दैट जगह इज नोन एज एकोमोडेशन। अब उस एकोमोडेशन में अगर आपको आएगा कि मतलब लाइक उसने फूड भी आता है, फूड इन्होंने इंक्लूड किया है किसमें, एकोमोडेशन में ही। क्योंकि अब एक इंसान जाएगा, एक टूरिस्ट जाएगा, वो रहेगा किसी डेस्टिनेशन में एकोमोडेशन में, तो वो वहां पे खाएगा भी ना, खाना पीना, तो फिर उसका फिर अलग, जब हम एकोमोडेशन पढ़ेंगे उधर हम फिर अलग से पढ़ेंगे कि क्या वो उस होटल के रेस्टोरेंट को ही यूज करेगा फॉर फूड एंड दिस। लेकिन जब हम लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म आएगा तो कभी क्या आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है एकोमोडेशन, कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म अगर आपको आएगा एकोमोडेशन, लोकेल, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड फूड, या फूड भी आएगा फोर्थ सपोज आएगा, तो आपको लिखना है कि ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि एकोमोडेशन के अंदर ही क्या किया है, फूड को भी डाल दिया गया है। उसके बाद है हमारा सेकंड है लोकेल। लोकेल मतलब क्या, लोकेशन, जिस भी डेस्टिनेशन पे हम जाएंगे वहां पे कुछ ऑफर करेंगे हमें कि किस किस लोकेशन पे हम जाएंगे विजिट करने के लिए, तो दैट्स नोन एज सिंपल लोकेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी एक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है कि मतलब लाइक जब भी हम जाएंगे, फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई है इंग्लैंड से कश्मीर आया, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन किस किस्म का वो यूज करेगा, तो कंपोनेंट है। तो उधर से भी करेगा ट्रांसपोर्टेशन, उधर से तो एयर करेगा, ऑब्वियस बात है। तो फिर जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा वहां पे भी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है, तो बाय मींस ऑफ क्या जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैंने आपको पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। अब एक और चीज है एलिमेंट्स। बाज अवकात क्या हो जाता है, हम लोग कॉम्पोनेंट्स एंड एलिमेंट्स को एक ही चीज समझते हैं, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको बताया एज लाइक द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ लार्जर एंटिटी, एक बड़ी एंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉम्पोनेंट। वेयर एज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, दैट इज द एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग, लार्जर एंटिटी का भी एसेंशियल पार्ट, या विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड भी, ऐसे हम केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ते थे कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एलिमेंट जो है, यहाँ पे हम एलिमेंट को एक और नाम भी बता सकते हैं इन टूरिज्म, दैट इज नोन एज इनग्रीडियंट्स। सीधी सी बात है,
आप लोगों ने F&B प्रोडक्शन में पढ़ाई है, जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये चीज़ें, क्योंकि वो क्या होते हैं, एसेंशियल। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट होगा ही नहीं तो हमारा रेसिपी जो है, हमारा जो भी हम बनाएंगे, कोई भी डिश बनाएंगे, जैसे बटर चिकन का एसेंशियल इंग्रेडिएंट उसका बटर है, तो अगर वो नहीं होगा तो वो बटर चिकन नहीं बन जाएगा, वो कोई और ही चिकन बन के आएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले, अब क्या क्या है टूरिज्म के एलिमेंट्स, कौन कौन सा है, उससे पहले, उसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि दो, एक पीटर और एक रॉबिन्सन, इन दोनों ने कुछ कॉम्पोनेंट्स पे कहा। तो पीटर ने क्या कहा, अट्रैक्शंस पर। पीटर ने कहा अट्रैक्शंस पे, क्या कहा, इसने एक इन्वेंट्री, हैज ड्रॉन अप एन इन्वेंट्री, ड्रॉन अप एन इन्वेंट्री ऑन attractions। देखो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि what are the components of tourism, ये आसान सा है, accommodation, locale and transportation, ये तो components है, but ये है कि elements को ही डाल दिए जाएंगे and फिर उसके बाद बोलेंगे कि which among the following are the components of tourism। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको ये elements और components को mix नहीं करना है, okay? तो अब ऐसे मैंने यही बताया कि इसने एक इन्वेंट्री बनाई ऑन अट्रैक्शंस, बट व्हाट इज दिस वर्ड इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इज नथिंग बट अ लिस्ट, इन्वेंट्री एक लिस्ट है। फिर से हम यही एग्जांपल लेंगे ये इंग्रेडिएंट्स का, जैसे हम लोगों को F&B प्रोडक्शन में अब हम है तो हम लोगों को वहां पे डिशेस बनानी होती है, रेसिपीज बनानी होती है, उन चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स बाकी चीजें भी हम लोगों को चाहिए, जैसे लाइटिंग चाहिए, कुकिंग गैस चाहिए, बहुत सारी चीजें जो भी है एसेंशियल चीजें जो हमें प्रोडक्शन लैब में जरूरत है, या जो हमें हाउस कीपिंग के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें जरूरत है। तो ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट, एंड दैट लिस्ट इज नोन एज इन्वेंट्री। ये कहीं पे भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली इन द टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी में ऐसा इन्वेंट्री बनेगा, हर जगह पे, जैसे अकाउंट्स में कुछ होता है वहां पे भी वो क्या बनाते हैं, इन्वेंट्रीज बनाते हैं। तो इसने अपनी एक इन्वेंट्री ड्रॉन अप की, पीटर हैज ड्रॉन अप एन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री और आइटिनरी डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू वर्ड्स। आइटिनरी इज जस्ट द टूर प्रोग्राम, जब एक टूरिस्ट आता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर तो उसका टूर प्रोग्राम क्या होता है, 7 days का होता है या 12 days का होता है। 7 days में उसमें टूर प्रोग्राम में पूरा आता है, पूरा आज के दिन टूरिस्ट कहाँ कहाँ जाएगा, फिर किस ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेगा, ये पूरा 7 days का एक, अगर 7 days का पैकेज होगा या 15 days का पैकेज होगा तो पूरा इन्वेंट्री इसको, अगर उसने परचेज किया होगा ना पैकेज टूर के हिसाब से, तो एक इन्वेंट्री, ये ना आइटिनरी उसको दी जाती है एक टूरिस्ट को। तो ये दो वर्ड्स में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्वेंट्री एंड आइटिनरी वन एंड द सेम थिंग नहीं है, जैसे कंपोनेंट एंड एलिमेंट वन एंड द सेम थिंग नहीं है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसने एक पीटर ने ड्रॉन अप किया इन्वेंट्री ऑन अट्रैक्शंस। इसकी अट्रैक्शंस की इन्वेंट्री में 5 categories है, 5 categories, लेट्स रब इट आउट, 5 categories में क्या क्या इसने डाला पीटर ने, ये क्वेश्चन आ सकता है, पीटर की अट्रैक्शंस में, इन्वेंट्री अट्रैक्शंस में कितनी कैटेगरीज है, तो यू कैन राइट 5। तो पहला है कल्चरल, दूसरा है ट्रेडिशंस, ये याद करना है आपको किसी भी तरीके से, थर्ड इज सीनिक, ऊपर नीचे हम इसको नंबर को कर सकते हैं, ये नहीं है कि नंबर वाइज ऐसे बताया है उसने, फोर्थ है एंटरटेनमेंट, and fifth one is other attractions। cultural attractions में उसने क्या डाला, historical sites वगैरह या religious institutions, educational institutions, music।
म्यूजियम्स भी डाल दिए इसने इसी में, साइट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। इन्हें भी अगर हम याद रख सकते हैं कल्चरल में ज्यादा इसने क्या डाला, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी आएंगे, जैसे कि साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स भी वहां पे कुछ बना होता है, ठीक है ना, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ट्यूशंस, म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, इन सब को इसने इसी में डाल। ट्रेडिशंस है, अब इसमें इसने डाला नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, फोकलोर, म्यूजिक, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, फोकलोर, म्यूजिक, नेशनल फेस्टिवल्स एंड वी हैव यस नेटिव लाइफ एंड कस्टम्स। तो ये सारी चीजें इसने क्या डाला इसमें, ट्रेडिशंस में। इसके बाद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, बीचेस एंड रिजॉर्ट्स, उसमें मैं सीधे है सिनेमास, थिएटर्स, वन मोर थिंग इसने इसमें डाल दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है ये सारी चीजें तो आपको एज नेम से ही समझ में आ जाएगा, जैसे कल्चरल में हिस्टोरिकल साइट्स या बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, या हमें सीधे याद रहेगा। ट्रेडिशंस में हम लोगों को सीधे याद रहेगा हमारे सारे फेस्टिवल्स है, या आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स को डाल दिया, फोकलोर को डाल दिया, नेटिव लाइफ एंड कस्टम्स को डाल दिया, म्यूजिक को डाल दिया। उसके बाद हमारा सीनिक जो है, सीनिक में हम लोगों ने अब ये रखा याद कि देखने की चीजें जो है, जैसे कि सिनेमा को हम देखते हैं, व्यू करते हैं, थिएटर्स को हम व्यू करते हैं, पार्टिसिपेशन इन विविंग ऑफ, जैसे कोई चीज पार्क्स में कुछ हो जाता है उन चीजों को देखना, या जू को भी हम क्या करते हैं, एनिमल्स को वहां पे, वाइल्ड एनिमल्स को भी देखते हैं जू में हम लोग। एंड नाइट लाइफ भी हम लोगों को याद रहेगी कि शाम की जो लाइफ होती है उसमें डांसेस वगैरह वो सब चीजें हम देखते हैं। एंड क्यूजीन को इसने क्या डाल दिया, एंटरटेनमेंट में, क्यूजीन। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, इस नेट में नहीं आएगा या दूसरे नेट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूजीन जो है एज पर कौन है हमारा, ये पीटर है ना, ये हमने किसके हिसाब से दिया इन्वेंट्री, पीटर, उसने क्यूजीन किस में डाल दिया है, एंटरटेनमेंट में, सीनिक में, ट्रेडिशन कल्चरल में, या अदर अट्रैक्शन में। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जब हम ट्रेडिशंस को देखेंगे, नेशनल फेस्टिवल्स ये सब, तो हम बोलेंगे खाने पीने का, क्यूजींस का आएगा ट्रेडिशंस में, बट इसने ये एंटरटेनमेंट में क्यूजींस को डाला, क्यूजींस को डाल दिया है। उसके बाद अदर अट्रैक्शन में इसने, अट्रैक्शन में इसने क्या डाला है, क्लाइमेट को, वेदर को, एक्सेट्रा। तो अदर अट्रैक्शंस में इसने हमने क्या बोला, रॉबिन्सन ने कुछ नहीं बोला, रॉबिन्सन ने बोला जो भी सारी अट्रैक्शंस है दे आर ऑल जियोग्राफिकल इन कैरेक्टर, ठीक है। रॉबिन्सन अट्रैक्शंस आर जियोग्राफिकल इन कैरेक्टर, इसने इतना ही बोला, अट्रैक्शंस आर जियोग्राफिकल इन कैरेक्टर। एंड वन मोर थिंग इसने ये बोला, लोकेशन एंड एसेसिबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
फिजिकल स्पेस सीनरी एंड लैंडस्केप आर एसेंशियल. क्या बताया? फिजिकल स्पेस सीनरी और लैंडस्केप जो है एसेंशियल. देखिए इम्पोर्टेंट एसेंशियल. देखो यहाँ पे ये जो इसने बताया ये क्या है फिर? एसेंशियल मैंने आपको अभी बताया. तो एज पर रॉबिन्सन, अगर रॉबिन्सन के हिसाब से क्या है, फिजिकल स्पेस सीनरी एंड लैंडस्केप आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ टूरिज्म और दे आर द एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म. दे आर द एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म क्योंकि वर्ड इज एसेंशियल. तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है. एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म अगर आएगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म एज पर रॉबिन्सन, यू कैन राइट फिजिकल स्पेस सीनरी एंड लैंडस्केप को आप टिक मार्क कर. अब है एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म और इंग्रेडिएंट्स ऑफ टूरिज्म. जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ टूरिज्म. आप अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपको ये याद करना है. ये आता है क्वेश्चन ऐसे. तो दे आर द फंडामेंटल अट्रैक्शंस ऑफ टूरिज्म. जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि एलिमेंट को या हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. फंडामेंटल बेसिक छोटा सा मगर एसेंशियल होता है. ये हिस्सा नहीं तो एसेंशियल है, जरूरी जो है. जैसे प्लीजिंग वेदर है ना, ये कॉम्पोनेंट तो नहीं है ना. अब प्लीजिंग वेदर आता है कि वेदर प्लीजिंग होना चाहिए तब जाके टूरिज्म हो सकता है. जब वेदर प्लीजिंग ही नहीं हो टूरिज्म नहीं होगा. सीनिक अट्रैक्शंस जहां आपको, दे आर द फंडामेंटल अट्रैक्शंस ऑफ टूरिज्म. आपको अट्रैक्शंस दिखाना है, एसेंशियल पार्ट है ऑफ टूरिज्म. सीनिक आप किस चीज को प्रमोट करोगे, सीनिक अट्रैक्शंस. फिर है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इसमें सब कुछ आएगा, बिल्डिंग्स वगैरह जो पीटर ने बताया. फिर है एसेसिबिलिटी, जब वहां जाने तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं तो फिर ये सब का क्या फायदा है. अगर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन एसेसिबिलिटी होगी नहीं, रास्ता ही नहीं होगा पहुंचने का. तो इन सब तीन एसेंशियल चीजों का होना या ना होना फिर कोई मायने नहीं रखता है. उसके बाद है एमिनिटीज. एमिनिटीज क्या होता है? सहूलियात, मतलब सहूलियात फैसिलिटीज जो भी है. जैसे कि नेट, आजकल नेट की फैसिलिटीज बहुत जरूरी हो रही है. जैसे हम लोग भी क्लासेस दे रहे हैं तो नेट की फैसिलिटीज. अब किस में? एलिमेंट्स में. एंड दैट इज नोन एज हॉस्पिटैलिटी, जो मैंने आपको परसों पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया. अबो देन दैट एक और चीज होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी. अगर ये ना हो तो एवरीथिंग इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस. क्योंकि जब आप वेलकम ही नहीं करोगे अच्छे से गेस्ट को, या आपके पास ये नहीं होंगे, मतलब लाइक टाइमिंग का कोई ध्यान नहीं रखोगे आप, मतलब लाइक हॉस्पिटैलिटी में जो भी सारी चीज़ें आती हैं, तो इस सब एलिमेंट्स का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है. दिस इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस देन. एंड वन मोर थिंग है कि आपके जो गाइड्स एंड एस्कॉर्ट्स जो होने चाहिए, दे शुड बी वेरी मच ट्रेन्ड होना चाहिए. आपका जो भी स्टाफ है ये इसको क्या करता है, ये इन एलिमेंट्स को सपोर्ट दे देता है, ये सब चीजें. ठीक है ना? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.